साइरम हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल निशान स्टडी कन्नर होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दो पीरियड ऑलरेडी हो गया है आज पीरियड थ्री होगा आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे प्लीज डोंट स्किप द वीडियो वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चलो प्रीवियस क्लास थोड़ा रिपीट करते हैं सो हिच बैक्टेरिया हेल्प्स इन कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड कौन सा बैक्टेरिया है लैक्टोबैसिलस लेक्टोवासिलस वीच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड आंसर बताओ क्या होगा ईस्ट वट इज फर्मेंटेशन किणवन प्रक्रिया क्या है द प्रोसेस बाय हुईज सुगर प्रेजेंट इन फूड कन्वर्टेड इंटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजिम्स इज कॉल्ड फर्मेंटेशन ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज वैक्सीनेशन एडमिनिस्टरिंग ए वैक्सीन आइडर ओरली और बाय इंजेक्शन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन ठीक है नेक्स्ट चलो हमारा आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं यह है नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम, नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन चक्र चक्र क्या है नाइट्रोजन चक्र क्या है इट इज ए बायो जियो हुई नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन टू मेनी फॉर्म्स कंजिक्यूटिवली पैसिंग फ्रॉम एटमोस्फियर टू द सॉइल नेक्स्ट टू ऑर्गेनिजम एंड बैक टू एटमोस्फियर ठीक है भूमि तथा पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा बायोमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजनीय यौगिकों के रूप में स्थिरीकरण और उनके पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन के परिवर्तन होने का अनवरत प्रक्रम नाइट्रोजन चक्र कहलाता है सिंपल वार्ड में हम ये भी बोलेंगे कि इट इज द मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स ऑन अर्थ लाइक एयर सॉइल एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में भिन्न भिन्न स्तरों के द्वारा उपयोगी यौगिकों के रूप में परिवर्तित होता है लेकिन वायुमंडल में नाइट्रोजन का परिमाण स्थिर रहता है ये नाइट्रोजन साइकिल कुछ स्टेजेस में कंप्लीट होता है जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रिफिकेशन असीमिलेशन अमोनिफिकेशन लास्ट है डीनाइट्रिफिकेशन लेट्स एक्सप्लेन इट ब्रीफली तो पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन इट इज द इनिशियल स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इसमें क्या होता है हीयर द एटमोसफियरिक नाइट्रोजन विच इज प्राइमरीली अवेलेबल इन इनर्ट फॉर्म इज कन्वर्टेड इन टू यूजेबल फॉर्म ऑफ अमोनिया इस प्रक्रिया में पृथ्वी के वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होता है वो अमोनियम में परिवर्तित हो जाती है नेक्स्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन द इनर्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस इज डिपोजिटेड इंटू सॉइल्स फ्रॉम एटमोस्फियर एंड सरफेस वाटर मेनली थ्रू प्रेसिपिटेशन मतलब नाइट्रोजन एक निष्क्रिय पदार्थ होता है इसके कारण यौगिकों का निर्माण के लिए वो अन्य रसायन से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन फिक्सेशन प्रक्रिया से नाइट्रोजन परमाणु को मुक्त कर देता है लेटर द नाइट्रोजन अंडरगोज ए सेट ऑफ चेंजेस इन विच टू नाइट्रोजन आइटम्स गेट सेपरेटेड एंड कंबाइंड विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया वही मुक्त नाइट्रोजन दूसरे तरीकों से उपयोग में लाया जा सकता है ये पूरा प्रोसेस एक सिम्बर्टिक बैक्टीरिया द्वारा कंप्लीट होता है जिसका नाम है दाईजोट्रोप्स नेक्स्ट हम जानेंगे नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या है इन दिस प्रोसेस एमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट बाय द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल देन नाइट्राइट आर फॉर्मड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजोमोनास बैक्टीरिया इस प्रोसेस में क्या होता है सेल में जो बैक्टीरिया होता है वो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है अमोनिया की ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजोमोनस बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्राइट फॉर्म होता है लेटर द प्रोड्यूस्ड नाइट्रेइ्स आर कन्वर्टेड इन टू नाइट्रेट्स बाई नाइट्रोबैक्टर बाद में नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोबैक्टर के द्वारा दिस कन्वर्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट एज अमोनिया गैस इज टक्सिक प्लांट अमोनिया का नाइट्राइट में बदलना जरूरी है क्योंकि अमोनिया गैस प्लांट्स के लिए हानिकारक होता है ठीक है ये सब याद रखना नाइट्रिफिकेशन का पूरा प्रोसेस दो रिएक्शन में कंप्लीट होता है पहला है अमोनियम की ऑक्सीडेशन से नाइट्रोजोमोनास बैक्टेरिया की हेल्प से नाइट्राइट फॉर्म होता है बाद में वही नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है नाइट्रोबैक्टर के हेल्प से ठीक है नेक्स्ट स्टेज है असीमिलेशन असीमिलेशन प्रोसेस क्या है प्लांट्स टेक नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स वीच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया पेड़ पौधे सॉइल से अपने रूट्स के द्वारा नाइट्रोजन यौगिक ले लेते हैं जो कि आयन के रूप में सहायक होते हैं वही आयन प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्रोटीन गठन करने में सहायक होते हैं दिस वे इट एंटर्स द फूड वे फेन द प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट द प्लांट्स इसी तरह ये फूड चेन में प्रवेश करता है जब प्राथमिक भक्षक पेड़ को खाते हैं नाइट्रोजन साइकिल का नेक्स्ट प्रोसेस है अमोनिफिकेशन वेन प्लांट्स और एनिमल्स डाई द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर इज रिलीज बैक इंटू दॉल जब पेड़ पौधे मर जाते हैं उनके शरीर में जो ऑर्गेनिक पदार्थ होता है उनमें जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में फिर से रीएंटर एंटर करता था डिकम्पोज लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इंटू अमोनियम मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर अमोनियम फॉर्म करते हैं दिस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस अमोनिया इज़ फर्दर यूज फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस ये डिकम्पोजिशन अमोनिया उत्पन्न करता है जो कि अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध होता है ठीक है नेक्स्ट है डीनाइट्रीफिकेशन इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल ये सबसे लास्ट स्टेज है इट इज द प्रोसेस इन हुईज नाइट्रोजन कंपाउंड कैन मेक देयर वे बैक इन टू द एटमोस्फियर बाई कन्वर्टिंग नाइट्रेट इन टू गैसियस नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस वापसीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस आ जाता है जो नाइट्रेट को गैसीय नाइट्रोजन में बदल देता है डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरीड आउट बाय डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, बैक्टेरिया क्लोस्ट्रेडियम एंड स्यूडोमोनास ठीक है क्लोस्ट्रेडियम एंड स्यूडोमोनास बैक्टीरिया प्रोसेस द नाइट्रेट टू गेन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट फ्री नाइट्रोजन गैस एज ए बाय प्रोडक्ट डी बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को छोड़कर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए नाइट्राइट को संशोधित करते हैं देखो यहाँ पे डायग्राम के द्वारा आप लोग अच्छे से समझ सकते हो पहले एटमोस्फियर का नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के द्वारा फिर नाइट्राइड फॉर्म होता है अमोनिया की ऑक्सीडेशन से नाइट्रोजोमोनास बैक्टीरिया की हेल्प से फिर से क्या होता है नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है नाइट्रोबैक्टर की हेल्प से नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो गया नेक्स्ट असिमिलेशन प्रोसेस से प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स अपने रूट्स के द्वारा नाइट्रोजन कंपाउंड्स को ले लिया फिर अमोनिकेशन प्रोसेस से डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी ने ऑर्गेनिक मैटर को अमोनिया से कन्वर्ट कर दिया और फाइनल स्टेज में डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन फिर से एटमोसफियर को बैक कर लेता है आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब ऑन माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग